नमस्कार, मैं हूँ इरशाद अली और आप देख रहे हैं लोकस्वर टीवी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बच्चों और युवाओं को मुंगेली में एक और मंच मिल गया है। यहाँ वे विभिन्न प्रकार की कलाओं को निखारने के लिए निःशुल्क लाभ ले सकेंगे। कला कौशल को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन सभी प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह बच्चों और युवाओं की नैसर्गिक प्रतिभा को निखारने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय स्थित मंडी प्रांगण में कला केंद्र की स्थापना की है। 23 जून से 30 जून तक बच्चों एवं युवाओं को विभिन्न विधाओं जैसे चित्रकला, कथक, गायन, गिटार, तबला, कीबोर्ड, मेहंदी, डांस, हारमोनियम, पाक कला का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ अनेक प्रकार की सीखने की कलाएं हैं, जैसे कि म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डांस, पेंटिंग। यहाँ पर अपनी हमारी जो अंदर कलाएं छुपी हैं उसको निकालने के लिए जिला प्रशासन ने बहुत ही बड़ी कदम मुंगेली जिले की सौगात दिया है। यहाँ के मुंगेली जिले भर के जितने भी अपने कला को निखारने चाहते हैं वह यहाँ इस कला केंद्र पर आकर अपना कला बिखेर सकते हैं। यहाँ डांस और तबला वादन, पेंटिंग, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिले हैं। जिला प्रशासन द्वारा ये बहुत अच्छा कदम उठाए है, जिससे हम इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपने अंदर का कला को निखार सकते हैं। मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी और कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने नवनिर्मित कला केंद्र पहुंचकर ड्राइंग एंड पेंटिंग कक्ष, डांस कक्ष, रिकॉर्डिंग रूम, वेस्टर्न और क्लासिकल म्यूजिक कक्ष का अवलोकन किया। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप जिले के युवाओं के नैसर्गिक प्रतिभाओं को निखारने कला केंद्र की स्थापना की गई है। डेमो क्लास हमारा कल से चालू हो रहा है। इसमें अभी डांस, म्यूजिक, पॉटरी, क्ले मेकिंग, उसके बाद पाक कला, ये तुरंत चालू हो जाएगा कल से। इसके साथ साथ जो भी हमारे ज़िले के आसपास के छत्तीसगढ़ के कल्चर का पार्ट है, जैसे कि पंथी नृत्य हो गया, रहस हो गया, इसको भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे जोड़ने का। दिल्ली में प्रतिभा की कमी नहीं है, पर प्रतिभा को दिखाने के लिए उनको जो प्लेटफॉर्म चाहिए था कला केंद्र के माध्यम से, निश्चित तौर पर उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और सारे बच्चे अपने जो है जितना प्रतिभा है, और यहाँ के लोग, मैं तो बच्चों के अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो नौजवान युवा साथी हैं और बुजुर्ग हैं, ऑल ऑफ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अब मुंगेली में जितनी इसमें विभिन्न विधाएं हैं, ढोलक है, तबला है, हारमोनियम है, कराके सांग है और गिटार है, ऐसे विभिन्न विधाएं सीखने को अवसर मिलेगा। ड्राइंग का है, पेंटिंग का है, सिंगिंग का है, वेस्टर्न में जितने भी इंस्ट्रूमेंटल हैं उनका है, शास्त्रीय संगीत में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो हैं, कुकिंग का है, क्राफ्ट का है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है और क्ले पॉट मेकिंग का है। कोशिश ये है कि बच्चा जिन भी विधाओं में पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छा करना चाहता है उसके लिए ये एक जगह उपलब्ध कराई गई है। और केवल बच्चों के लिए ही नहीं, आज जब पहले दिन लोग देखने आए हैं, बुजुर्गों में बहुत उत्साह है, युवाओं में बहुत उत्साह है। कला केंद्र ऐसे युवाओं के लिए है जो पढ़ाई के अलावा कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यह कला केंद्र उनके लिए बेहतर साबित होगा। कला केंद्र के खुलने से बच्चों और युवाओं को उनके नैसर्गिक प्रतिभा को निखारने और अपनी प्रतिभा को आगे लाने के लिए बेहतर अवसर मिलेगा। कला केंद्र खुलने से बच्चों एवं युवाओं में काफी उत्साह है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सतीर्थ राज अग्रवाल, मुंगेली SDM अमित कुमार, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, नम्रता आनंद डोंगरे मौजूद थे। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद भी छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता नहीं देने से लोग नाराज हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग अब पुस्तकों में भी किया जाने लगा है, मगर इन पुस्तकों में भी कुछ त्रुटियां सामने आ रही हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रांत संयोजक नंद कुमार शुक्ल ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि प्राथमिक पुस्तकों में हिंदी भाषा को आसानी से समझने छत्तीसगढ़ी का उपयोग किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग प्रथम में किया जाएगा। इसे लेकर कई बार सूबे के मुखिया ने कार्यक्रमों में घोषणा भी की थी। प्रथम भाषा हिंदी सिखाए बर
मातृभाषा के उपयोग करथन, काहे के लइका मन मातृभाषा जल्दी समझते। तो मोर छत्तीसगढ़ी लइका पहली कक्षा में जा है चल छत्तीसगढ़ी नहीं सिखा है, वो छत्तीसगढ़ी बोल के बोला हिंदी के तरफ प्रेरित करी, ते तो जोहर काल हो गए। दुनिया में सबसे पहली भाषा वो थे महतारी भाषा दुनिया में, आइए कहते हिंदी। जबकि जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनी 2000 में, तो वही समय पर छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य ये कहीं के अलग करेगा, तेरा प्रमाण है केंद्रीय पत्र आप देखे हो कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ी राज्य है, पर यह छत्तीसगढ़ी राज्य की पहली भाषा हिंदी कैसे हो जाए। उन्होंने कहा कि पुस्तकों में दिए गए पाठ के हिंदी का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में कर दिया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य है, इसलिए उन्होंने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। सरकारी कामकाज और पढ़ाई लिखाई को लेकर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी राजभाषा का गठन भी किया गया है, मगर इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ी भाषा को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना मिलना चाहिए। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जेईई मेन परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को सर्वर प्रॉब्लम के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबर मिलने पर लोकसभा टीवी ने परीक्षा केंद्र चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा व्यवस्थापक शरद कौशिक से बात की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्तर की इस प्रवेश परीक्षा के लिए निजी कंपनी को सॉफ्टवेयर और सर्वर की उपलब्धता का जिम्मा सौंपा गया था। शुक्रवार सुबह की पाली में जब ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई तो सर्वर में प्रॉब्लम के कारण परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और दूसरा परीक्षा मटेरियल समय पर नहीं मिला। इस तकनीकी गड़बड़ी की जब जानकारी लगी तो मौजूद ऑब्जर्वर को बताया गया। पहली पाली में जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उन्हें दूसरा अवसर इस माह 30 तारीख को दिया जाएगा। इसी तरह जब दोपहर 12 बजे दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हुई तब सर्वर पूरी तरह से ठप हो गया, इस स्थिति में परीक्षा देना असंभव हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दूसरे सेंटरों से भी इसी तरह की तकनीकी दिक्कतों का पता चला, जिसके बाद केंद्रीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद आनन फानन शुक्रवार को दूसरी पाली की परीक्षा में प्रभावित बच्चों को भी 30 जून को परीक्षा में शामिल करने की जानकारी लगी है। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि बारिश के मौसम में उसके किसी भी सड़क में पानी नहीं भरेगा, उसने अपनी सारी सड़कों को दुरुस्त कर लिया है। लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन अभियंता BL कापसे ने कहा कि अगर बारिश के पानी से कोई सड़क खराब होती है तो उसे तत्काल ठीक कर लिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। नल जल योजना कार्य के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कोनी रमतला मार्ग में खुदाई की है, जिसे ठीक करने विभाग ने पत्र लिखा है। मेरे संभाग के अंतर्गत समस्त मार्गों का मेरे द्वारा मेरे अधीनस्थ SDO साहब लोगों के द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और बरसात में किसी भी सड़क में आवागमन अवरुद्ध नहीं होगा, यह उन लोगों ने सुनिश्चित करके मुझे बता दिया, मुझे आश्वस्त कर दिया और मैं आश्वस्त हूँ कि लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 की सड़कों में कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और आवागमन अवरुद्ध नहीं होगा। मेंटेनेंस हम लोग द्वारा निरंतर किया जाता है, जहाँ कहीं भी गड्ढे हुए तत्काल उनको भरने की व्यवस्था हमारे पास है, सामग्री रखी हुई है स्टोर में और कहीं गड्ढे होते हैं तो बरसात में इमल्सन जो होता है लिक्विड बिटुमेन उससे हम लोग पेच रिपेयर करके तत्काल उसको मरम्मत करा देते हैं, ये तैयारी मेरे पास है। प्रधानमंत्री जनधन योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लेकिन इसके शुरू होने के लगभग 8 साल बाद बैंक में अभी भी कई हितग्राहियों का खाता नहीं खुला है, जिसके लिए बंधवापारा के वार्ड क्रमांक 65 की चंद्रमौली शिव मंदिर में निःशुल्क शिविर लगाया गया। यहाँ लोगों का जनधन योजना के तहत खाता खोला गया। इस दौरान योजना से वंचित लोगों को लाभ पहुँचाने वार्ड पार्षद श्याम साहू सक्रिय नजर आए। अभियान लगा के चल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की जो योजना है वो डायरेक्ट लाभ मिले, इसी के तहत आज हमारे वार्ड में इंडियन बैंक जो नूतन चौक शाखा है उनके द्वारा यहाँ पे जनधन बैंक खाता का शिविर लगा कर यहाँ पे खाता खोला जा रहा है। किस प्रकार का लाभ मिलेगा लोगों को? डायरेक्ट जो सरकार की जो योजना है, पहले बीच में बिचौलिया लोग इस पैसे का जो दुरुपयोग करते थे वो ना हो, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट खाता खुलवा रहे हैं और शासन की जो योजना है वो सीधे सीधे हितग्राहियों के खाते में जाए, ऐसा योजना बनाकर हम लोग यहाँ पे जनधन योजना का खाता खुलवा रहे हैं। तीसरी बार रेलवे बोर्ड ने मार्च महीने से बंद 35 ट्रेनों को अब 9 जुलाई तक कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया है। ट्रेनों को रद्द करने के लिए रेलवे ने न तो कोई कारण बताया और न ही यात्रियों की सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है।
कोरोना काल के बाद से लगातार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की ओर से मनमानी की जा रही है। स्थिति यह है कि यहां के यात्रियों को पहले कोरोना के नाम से ट्रेन सुविधा से वंचित किया गया, अब रेलवे बोर्ड के आदेश का हवाला देकर जोन मुख्यालय से ट्रेनों का परिचालन 15 दिन के लिए फिर कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे की ओर से फरवरी मार्च महीने से 34 ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया जा रहा है। इसके बाद जब ट्रेनें शुरू करने की बारी आई तब मई में दोबारा सभी 34 ट्रेनों को 24 जून तक के लिए कैंसिल कर दिया गया। वहीं अब इन गाड़ियों को 9 जुलाई तक रद्द रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसे लेकर यात्रियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। ट्रेनें रद्द हो रही हैं, है ना, इससे जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। बहुत से लोगों को कहीं भी आना जाना है तो ट्रेन से बहुत आसानी से वो आ जा सकते हैं, पर ट्रेनें रद्द हो जाना, पहले से लोगों का प्लान बना हुआ रहता है और रद्द हो गई हैं तो उनको उस चीज़ को मतलब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इससे एक साधारण जो तबके का आदमी है उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साधारण आदमी ही ज़्यादातर ट्रेन से सफ़र करता है। तो इस पे मैं यही कहूँगा कि जो भी सरकार है, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको इस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए और ट्रेनों को रेगुलर वे पे चलाने का उनको काम तुरंत करना चाहिए। 1.5-2 महीने से वेटिंग चल रहा था ट्रेनों का, टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था, और जैसे मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ तो मेरे को छुट्टी लेके आना पड़ा है अभी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मेरे को छुट्टी लेके आ रहा हूँ और मेरी ट्रेन कैंसिल हो जा रही है तो मैं कैसे जा पाऊँगा फिर उस जगह, मेरे को फिर से छुट्टी लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी छुट्टी ले रहे हैं तो उनको, गवर्नमेंट को भी दिक्कत होगा इससे। तो अच्छा है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले और सुचारू रूप से चालू करें जो भी है। रेलवे के अफसरों ने कोयला संकट और कोयला परिवहन कराने के बहाने ट्रेनों को कैंसिल करने की बात कही है। हालांकि अधिकारी अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की बजाय ट्रेनों को कैंसिल करने के पीछे रेलवे बोर्ड के आदेश का हवाला दे रहे हैं। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार 22 एक्सप्रेस मेल ट्रेन, जिसमें 10 ट्रेनें जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से ही स्टार्ट होती हैं और यहीं से ख़त्म होती है, वो पूर्व में रद्द थी, उनकी अवधि को 15 दिन और बढ़ाया गया है। साथ ही इन ट्रेनों में 12 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी शामिल हैं। बीते 6 माह से लगातार यात्री ट्रेनें रद्द हैं। दरअसल रेलवे यात्रियों को सुविधाएं देने की बजाय माल लदान पर पूरा फोकस कर रही है। रेलवे की ओर से 34 ट्रेनों के अलावा 18239 गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस 25 जून से 9 जुलाई तक कोरबा गेवरा रोड के मध्य रद्द कर दिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहडोल के क्षेत्रीय रेल प्रबंधक योगेंद्र सिंह भाटी की गुरुवार की रात मेमू कटनी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना अमलाई रेलवे स्टेशन में हुई। ARM तीसरी रेल लाइन के लिए विद्युतीकरण कार्य कराने के लिए वे अमलाई रेलवे स्टेशन में मौजूद थे। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर अनूपपुर शहडोल के बीच चल रहे नॉड इंटरलॉकिंग काम के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है। रेलवे के क्षेत्रीय प्रबंधक ARM योगेंद्र सिंह भाटी मेमू लोकल ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। दरअसल काम के दौरान अचानक एक ट्रैक पर मालगाड़ी और दूसरी ट्रैक पर मेमू लोकल आ गई, इसी वजह से यह हादसा हो गया। DRM ने हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। 17 जून से यह काम चल रहा है और 26 जून तक चलेगा। इसकी वजह से कई गाड़ियों को ब्लॉक किया गया है। गुरुवार को भी यह काम चल रहा था। अमलाई RRI केबिन के करीब काम के दौरान एक पटरी पर मालगाड़ी और दूसरी पटरी पर मेमू पहुंची। ट्रेन को आते देख सभी अफसर, कर्मचारी और मजदूर रेलवे लाइन के किनारे हो गए। कुछ लोग दो लाइन के बीच की खाली जगह पर खड़े थे। ट्रेन के गुजरने के बाद पता चला कि ARM भाटी रेलवे ट्रैक के किनारे खून से लथपथ घायल पड़े थे। उन्हें देखकर हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन्हें धनपुरी सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बता दिया। घटना से रेलवे के अफसर मायूस हैं। शुक्रवार की सुबह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार सहाय, CCM, COM समेत अन्य अफसर अमलाई पहुंचे। इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर जाँच की जा रही है।
घटना की जानकारी रेलवे बोर्ड तक दी गई है। जाहिर है कि इस मामले को लेकर पूछताछ भी होगी। यही वजह है कि अफसरों की टीम लगातार घटना स्थल का निरीक्षण कर वजह जानने का प्रयास कर रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिला अस्पताल के सुरक्षा में लगातार सेंध लग रहा है, मगर इस ओर प्रबंधन का ध्यान नहीं है। स्टाफ क्वार्टर के पास से दीवार फांदकर चोर जिला अस्पताल में रखे केबल सहित कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। रात में यहां नशेड़ियों का भी जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस टूटी दीवार की मरम्मत करने की जहमत नहीं उठा रहा है। कोरोना से निपटने अब बच्चों में भी जागरूकता आ गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब तक अपना वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं। शहर सहित प्रदेश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा होता दिख रहा है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये उन लोगों की लाइन है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति अब जागरूक हुए हैं, क्योंकि इससे पहले तो ना इन्हें चिंता थी और ना ही कोविड का डर सता रहा था। जैसे ही देश प्रदेश और शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने लगा, जागरूक नागरिक वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। बुधवार को कोरोना से हुई महिला की मौत और प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक संक्रमितों के मिलने से एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। यही कारण है कि अब डॉक्टरों ने भी वैक्सीनेशन का डोज पूरा करने की अपील कर दी है। वैक्सीनेशन पहले से बढ़ रहा है, बीच में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो थोड़ी स्लो दिख रही थी हमारे सेंटर में, पिछले दो तीन दिनों से देख रहे हैं कि थोड़ा सा वैक्सीनेशन बढ़ा है। अभी भी मतलब ऐसा है कि पेंडिंग लिस्ट बहुत है जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो सबसे हम लोग की वही अपील है कि जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है आके सब जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन अपना कराएं, जिससे हम सब कोविड को बढ़ने से थोड़ा रोक सकें। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही कोविड से निपटने 30 से अधिक अस्पतालों को अलर्ट रहने आदेश जारी कर दिया गया है। अब जरूरत है तो आपको सतर्कता बरतने की, क्योंकि कब और किस रूप में ये घातक बीमारी हमला कर दे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सरकारी जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तोड़ दिया। अधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्यवाही शुक्रवार को सरकंडा नूतन चौक में की गई है। नोटिस का जवाब नहीं देने से नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने नूतन चौक पहुंचकर यहां अवैध निर्माण तोड़ दिया। बताया जा रहा है चौक के पास सड़क किनारे नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण किया जा रहा था। इस पर निर्माणकर्ता को दो बार नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। शुक्रवार को अतिक्रमण दस्ते ने अधिकारियों की उपस्थिति में निर्माण तोड़ दिया। इसके साथ ही भवन शाखा प्रभारी सुरेश शर्मा टीम के साथ आसपास के इलाकों में सर्वे कर अवैध निर्माण की जानकारी जुटा रहे हैं। नूतन कॉलोनी में नगर निगम की जमीन है, खाली पड़ी थी, उसपे वो अतिक्रमण करके दुकान बना रहा था, तो उसे तोड़ा गया है। सर्वे किया जा रहा है आगे की जमीनों का, और जो जो शासकीय भूमि है और जिसपे नगर निगम की है जो, उस पर अतिक्रमण होगा तो उसको हटाया जाएगा। ये तो नगर निगम के दुकान में खाली जमीन थी, उस पर कब्जा किया, उसमें कब्जा करके निर्माण कर रहा था, तो उसे हटाया गया। तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान यहाँ लोगों का मजमा लगा रहा। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया नूतन चौक में सड़क किनारे कब्जा कर लोगों ने करीब 10 छोटी बड़ी दुकानें बना ली है। ये मामला कोर्ट के आदेश के बाद हल हो सकेगा। इस कार्यवाही से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र से जुड़े तिफरा की यदुनंदन नगर के रहवासियों का इन दिनों शहर से कनेक्टिविटी ही बंद हो गया है। दरअसल यदुनंदन नगर वार्ड क्रमांक 6 में सड़क पर एक नाला है, जिसे बिना वार्डवासियों को सूचना दिए उसे तोड़ दिया गया। इससे यहां के रहवासी खासे नाराज हैं। ये नाला लोगों के आने जाने का मुख्य मार्ग था, जिसे बंद कर दिया गया। अब स्थानीय लोगों ने अस्थायी कच्ची सड़क का निर्माण किया है, लेकिन बुजुर्ग और कई बड़े वाहनों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं, मगर इस ओर वार्ड पार्षद ध्यान नहीं दे रहा है। नाले का निर्माण तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, यदुनंदन नगर वासियों को समझ नहीं आ रहा कि कहां से निर्माण हो रहा है। निर्माण होने से पहले सबको सूचित करना चाहिए। 5,000 की पब्लिक, 6,000 की पब्लिक कहीं से आती है,
और छोटे व्यापारी जो ठेला में आते हैं और अभी स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो जनता कहाँ से जाए? आने जाने में तकलीफ हो रही है, बारिश समय से उन लोग को नहीं बनाना था नाला वगैरह। हम लोग चाले लोग हैं, हम लोग अकेले रहते हैं, यहाँ कोई नहीं है, परेशानी है हमको। वेयरहाउस रोड के पास साल भर पहले सड़क हादसे में भक्त कंवर राम द्वार क्षतिग्रस्त हो गया था। तकरीबन 6 महीने पहले निगम ने पुनर्निर्माण शुरू कराया, लेकिन कार्य अब तक अधूरा है। इससे सिंधी समाज के लोगों में निराशा है। भक्त कंवर राम प्रवेश द्वार का निर्माण 6 महीने हो गए पूरा नहीं हुआ है। पिछले 1.5 महीने से काम बंद है। नगर निगम ने एक हादसे में क्षतिग्रस्त गेट का पुनर्निर्माण कराने काम शुरू किया था, लेकिन ये काम अधूरा छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है इसके निर्माण पर करीब 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में गेट का निर्माण अगले 3 माह के लिए टलता नजर आ रहा है। नगर के सिंधी समाज की धार्मिक भावनाओं और उनकी मांग पर महापौर ने इस स्थान पर भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार का पुनर्निर्माण कराने का भरोसा दिलाया था। इसके लिए भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत भी की गई, लेकिन बीच में ही इसे छोड़ दिया गया है। इससे समाज के लोगों में निराशा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रतनपुर के सुधा बायोमास प्लांट में बिलासपुर पुलिस ने शुक्रवार को 11 टन गांजा का नष्टीकरण किया। इसमें ड्रग डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी, एसएसपी पारुल माथुर, कोरबा एसपी भोजराज पटेल सदस्य के रूप में शामिल थे। पुलिस द्वारा जब्त करीब 11 टन गांजे की कीमत करोड़ों में है। पुलिस ने अलग अलग प्रकरणों में विभिन्न जिलों से इनकी जब्त की है। बिलासपुर में 171 प्रकरण, रायगढ़ से 145, कोरबा से 19, जांजगीर से 24, मुंगेली से 53 और गौरेला पेंड्रा मरवाही से 45 प्रकरण शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले भी करीब 9 टन गांजा का नष्टीकरण किया जा चुका है। बिलासपुर आईजी श्री डांगी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में गांजे को नष्ट किया जा रहा है। मुंगेली जिला अंतर्गत थाना जरहा गांव को सूचना मिली कि एक महिला एक्टिवा में सवार होकर बरेला से सेमरचुआ की ओर जा रही है। दरअसल ये महिला गांजा तस्करी का काम करती है। सूचना मिलते ही ग्राम बरेला से सेमरचुआ जाने वाले मार्ग में पुलिस ने घेराबंदी की। एक्टिवा क्रमांक CG11AR8637 में एक महिला आते हुए दिखी, जिसे रोककर तलाशी ली गई, जिसमें महिला के पास रखे बैग में लगभग 7 किलो 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने निशु लक्ष्मी पटेल नाम की इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि यह महिला पूर्व में भी बिलासपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में गांजे के मामले में गिरफ्तार की गई थी, जिसे जेल भेजा गया था। जेल से जमानत होने के बाद फिर से वह गांजा के अवैध कारोबार में सक्रिय हो गई है। चकरभाटा क्षेत्र के जोरा तालाब के पास जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को चकरभाटा पुलिस ने धर दबोचा है। इनसे जुए की रकम लगभग 8,000 रुपये पुलिस ने बरामद की है। पकड़े गए जुआरी नरेश पेशवानी, पंकज वाधवानी, रवि गोविंदवानी, संजू यादव और कैलाश सूर्यवंशी, ये सभी चकरभाटा के निवासी हैं। थाना प्रभारी मनोज नायक ने बताया कि इससे पहले भी इन्हें जुए के मामले में कई बार पकड़ा जा चुका है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन सभी के खिलाफ 13 जुआ एक्ट और प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई की गई है। ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।